हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं पॉलसन थॉमस। पॉलसन थॉमस मेरे मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सबसे अर्ली फ्रेंड्स हैं। जब मैं मुंबई पहुंचा था तभी मेरी इनसे दोस्ती हुई थी एंड ही हैज बीन कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ मी इन माय हाईज एंड लोज एंड ही हैज हेल्प मी अ लॉट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ही हैज गिवन मी लॉट ऑफ एडवाइसेस ऑन लाइफ। ही इज वेरी एक्सपीरियंस। ही इज अ कोरियोग्राफर बेसिकली। ही इज अ डांस डायरेक्टर। ही इज अ डांसर हिमसेल्फ। ही हैज लर्नड हिमसेल्फ। ही हैज डन फिल्म्स लाइक ABCD एंड फालतू एंड ही हैज बीन अ टॉप 10 कॉन्टेस्टेंट्स इन डांस इंडिया डांस। पर कुछ इंजरी की वजह से मेरे ख्याल से शायद आपको निकलना पड़ा था। सो वेलकम पॉलसन टू माय चैनल। थैंक यू। हाय हाय ब्रदर, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, सो देख रहे हो एंजॉयिंग इन। ना पॉलसन काफी मोटा हो गया है। मैं क्या खाना खा रहा हूँ अभी लॉकडाउन में, एकदम नहीं। हाँ, जो बहुत ही स्लिम ट्रिम रहता है लौंडा एकदम। सो पॉलसन, सबसे पहले चीज जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे वो अपनी जर्नी के बारे में बताओ यार। मतलब कैसे डांस में इंटरेस्ट आया और कैसे डांस की जर्नी स्टार्ट हुई? तो डांस की जर्नी मतलब है कि आई एम फ्रॉम केरला। यस, सो यहाँ पे कि मेरा फैमिली जो थे इसमें सबसे ज्यादा फुटबॉल प्लेयर्स थे। मेरा चाचा, जो दो चाचा है लोग, दे वर नेशनल प्लेयर्स एंड फुटबॉल खेल चुके हैं, तो हम भी उसी पे ही थे, फुटबॉल में ही थे। सो आई वाज आल्सो पार्टिसिपेट, मतलब है कि मैं भी केरला का कैप्टन रह चुका हूँ सब जूनियर का फुटबॉल में। आफ्टर दैट फिर मुझे लगा कि चलो यार कुछ अलग किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए। वैसे मतलब है कि ऐसे सोचते चल रहा था, तो उतने प्रभु सर को देखा मैंने, प्रभु देवा। प्रभुदेवा। हाँ, तो उनको देखा तो फिर दिल में होने लग गया धक धक। तो फिर लगा कि यार हम भी ऐसा कुछ कोशिश करें, ऐसा कुछ करने के लिए कोशिश करें। तो तब से फिर शुरू हो गया हमारा डांस का, मतलब है कि जो कीड़ा अंदर। देन टू स्टार्टेड, मतलब है कि स्ट्रीट पे वी वर बैटल इन स्ट्रीट। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं केरला में, जो केरला का सबसे जो हम जो मैं जो रहता हूँ, जो जगह का नाम है त्रिशूर, और इसको केरला में बोला जाता है कि कल्चरल सिटी। सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स यहीं पे होता है त्रिशूर में। तो यहाँ पे मतलब है कि हर फेस्टिवल्स में डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में बीट्स होते हैं। तो हमारा मतलब है कि जर्नी डांस शुरू मतलब उसी में से शुरू हो गया, जो स्ट्रीट पे बैटल्स होते थे पहले। तो एक टाइम ऐसा था कि जब हम डांस करते तो हमें छप्पल की माला मिलता था, ऐसा था। तो बंदा डांस करते हैं तो मतलब है कि कुछ कुछ बैटल्स ऐसे होते थे कि वहां पे मतलब है कि बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जो त्योहार होते हैं वहां पे अच्छे अच्छे डांसर्स आते हैं, यहाँ का जो सीनियर्स डांसर्स लोग आके जिस तरीके से जो डांस करते हैं, तो उनसे बैटल करने जाएगा। तो मतलब है कि जहाँ पे जो हार मानता है, जो हार जाता है, तो उसको लोग चप्पल का माला देते हैं। तो हाँ, तो वहीं से शुरू हो गया। फिर तो हमने नोट का माला भी ले लिया, फिर करते करते नोट माला ले लिया से मतलब है कि वो अच्छा, यू स्टार्टिंग है बिकेम पार्ट ऑफ अ बहुत। ग्रुप। मतलब है कि उसके बाद फिर लोग देखने लग गए कि हाँ यार ये बंदा भी डांस करता है, तो फिर हमें भी मतलब है कि घर से तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है उस टाइम पे। मतलब है कि डांस मतलब हमारा इंडिया में आफ्टर डांस इंडिया डांस, आई थिंक लोग इतना रेस्पेक्ट और लोगों को समझ में आने लग गया है कि हाँ यार डांस में भी कुछ कैरियर बन सकते हैं। एग्जैक्टली, डांस में भी इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं। तो वो भी मुझे भी पता चला कि आफ्टर कमिंग टू मुंबई, है ना। सो देन एक टीम में जुड़ गए, टीम के साथ जुड़ के फिर हम स्टार्ट किए वहां से जर्नी। देन करते करते यहाँ का मतलब है कि केरला में मुझे ऐसा लगा कि नहीं है, फैमिली से भी इतना ज्यादा काफी सपोर्ट्स नहीं थे, तो मैं काम करने लग गया। आई वाज टू यूज टू गो फॉर दूध, मिल्क, अच्छा डेरी। हाँ, तो मिल्क डेरी पे एंड न्यूज़पेपर डाला हाँ, एंड ऑलमोस्ट सारे काम किया हुआ है। जस्ट टू एंड सर्वाइव। सर्वाइव मतलब है कि घर भी एंड सम कम स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली, तो उनके लिए तो वही है कि पढ़े लिखो, पढ़ाई कर लो एंड शादी करो, मर जाओ यहीं बस। रहो। हाँ, केरला में रहो। हाँ तो हमारा तो मतलब ऐसा नहीं है, पता नहीं कि बचपन से पैदा हो गए तब से एकदम, क्योंकि तो कुछ अलग ही करने का चक्कर में खड़े रहते हैं हमेशा। तो उस हाँ तलाश में फिर करते करते डांस टीम से फिर कुछ ऐसा वक्त आया है कि मुझे कि डांस बंद करना पड़ा। देन डांस बंद कर इंश्योरेंस हुआ था लाइफ में, मैं डांस बंद किए। उसके बाद फिर मैंने काम सीख लिया, वायरिंग और प्लम्बिंग, हाँ इलेक्ट्रिशियन।
फिर तो फिर घर वाले को मतलब है कि थोड़ा तसल्ली मिल गई कि हाँ इसके हाथ में कुछ तो काम तो है, अब ये जी पाएंगे, मतलब है कि हाँ करने लग गए। तो 1-2 साल के बाद फिर वापस मैंने स्टार्ट कर लिया कि रात में काम हेलो। देर में। हाँ नेट चला गया था एक्चुअली शायद। अच्छा, हाँ तो आपने काम रात दिन में काम करते थे और रात में आप बता रहे थे। हाँ दिन में काम करते थे, पर मतलब कि रात में भी घर पे ऐसा बोल के जाता था कि मेरे मतलब कि रात में भी काम है, नाइट ड्यूटी है, तो फिर प्रैक्टिस के लिए जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। फिर थोड़ा बहुत मतलब है कि हाँ अच्छा खासा मतलब हम लोग शोज करने लग गए। तो फिर मुझे बैंगलोर में एक ऑफर आया मेरे फ्रेंड के थ्रू, मैंने उनसे पूछा है कि वो लोग इंटरनेशनल एक डांस कंपनी में करते थे, काम कर रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया, तो ही टुक मी टू बैंगलोर। फिर उसके बाद वहीं पे बहुत बहुत टाइम वहीं पे भी बहुत स्ट्रगल किया। उसके करते करते 1-2 ढाई साल के बाद मेरा एक फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए गया था मैंने, तब जाके DID में सेलेक्ट हो गए। देन अच्छा तो मुंबई क्या सोचे गए थे, मतलब मुंबई ये सोचे गए थे काम करूंगा वहां पे या डांस में करियर बनाऊंगा या क्या था कि ऐसा लगा कि मुंबई में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है केरला से। सी ऐसा जो केरलाइट बॉय, केरला का जो लड़का होते हुए, और ये फैमिली से मतलब है कि कभी सोचा नहीं कि बॉम्बे के बारे में, बॉम्बे मतलब है कि अंडरवर्ल्ड, यहाँ के लिए बॉम्बे इज अंडरवर्ल्ड, बहुत बड़े लोग, खतरनाक लोग रहते हैं बॉम्बे में। गोलियां चलती रहती हैं। हाँ, तो उस वक्त भी वैसे थे, उस दौरान भी मतलब वैसे ही चल रहा था कि गोलियां, रोड पे भी शूट आउट सब चलते रहते थे। अचानक से हम पहुंच गए बॉम्बे, तो फिर घर वाले भी मतलब है कि कह दिए कि अभी बॉम्बे में करेंगे क्या, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बॉम्बे में मैं करूँ क्या। एंड लाइक मी इट्स लाइक अभी डांस डांस आके ऑलमोस्ट 11 इयर्स हो गए, तो तब तो मुझे हिंदी और लैंग्वेज का तो बहुत बड़े प्रॉब्लम थे, हिंदी और इंग्लिश, वो मुझे अभी हाँ भी प्रॉब्लम है, बट जस्ट सो जब सर्वाइव मुंबई आए आई थे तब कैन हिंदी नहीं टॉक, आता बिल्कुल भी नहीं समझ में भी नहीं आता था मुझे हिंदी था। ऐसा था, क्योंकि केरला में इतना ज्यादा हम हिंदी हिंदी इस्तेमाल नहीं करते हैं केरला में। तो केरला में यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब है कि अगर हो गया तो फिर इंग्लिश में बात करते हैं, या अदरवाइज मलयालम और तमिल, बस हाँ इतने ही यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे धीमे धीमे सीखा। पहुंच, हाँ फिर पहुंच गए बॉम्बे, पहुंच गए डांस डांस के बाद फिर बाहर निकले तो पता चला कि यार ये तो कुछ रोड पे चल रहे थे नॉर्मली, तो लोग गाड़ी रोक के आके हमारे पास फोटो क्लिक कर रहे हैं, फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो फिर यार ये कैसा हो गया, ऐसा कुछ समाया तो समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद देन आई यूज टू यू नो कि लैंग्वेज नहीं, नोबडी इज देयर वाज देयर एंड टू हेल्प, और किसके साथ टू एडवाइस ले लूँ। सो फिर रेमो सर थे, रेमो सर के पास फिर गए सर से, सर के साथ बहुत अच्छा टाइम रेमो सर लगे से अच्छा रहे। रेपो हो गया होगा DND के टाइम। जी, रेमो सर ऑल्सो, ही ऑल्सो लाइक कि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। सो दैट टाइम आफ्टर डांस इन द डांस देन आई यूज टू स्टार्ट वर्किंग विद रेमो सर, एंड उनके एक अपॉर्चुनिटी मिले थे फालतू में, फालतू वॉज माई फर्स्ट फिल्म। Then, he casted me that time second lead, जो चंदन अच्छा रॉय ने जो उसमें जो कैरेक्टर प्ले किया है वो मेरे लिए था हाँ बेसिकली। बट वैसे रहते रहते उस वक्त में मतलब है कि रोमिंग होता था फोन का, तो आई थिंक इसके लिए बहुत टाइम वेट किया था एक्चुअली फालतू के लिए, सर ने भी कहा कि अभी अगले महीने नेक्स्ट मंथ ऐसा करते करते। उसके बाद केरला आया, मुझे जॉइंटिस हो गए थे, जॉइंटिस के टाइम पे मैंने 1-2 महीना मतलब 1-1.5 महीना मैंने फोन मतलब है कि रिचार्ज नहीं किया उस टाइम पे, रिचार्ज रोमिंग के लिए रिचार्ज करना पड़ता था एक्स्ट्रा, हाँ रिचार्ज नहीं किए, फोन में इतना ज्यादा ध्यान नहीं थे, वो लोग ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मुझे कनेक्ट करने के लिए, नहीं हो पाया, रिप्लेस्ड चंदन। आई वेंट टू मुंबई, तो जिस दिन मैं बॉम्बे पहुंच गया उस दिन रात में सर के घर पे ऐसे गया था, नॉर्मली मतलब उनके घर से डिनर करते थे उस वक्त में हम लोग सलमान, तो पहुंच के तो उनके घर पे पूछा तो इनका पेटी सब तैयार है, लोग सूट के सब रेडी है, मतलब कि ट्रैवलिंग सब पैक दे। तो मैंने पूछा इनकी मैनेजर को कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोला कि तुझे जो मूवी के लिए जो सेलेक्ट किया था तो उसकी शूटिंग के लिए हम जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया क्या चक्कर आ रहा है, क्या उल्टी आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं है।
तो मैंने ही आ रहा मतलब ये पूछा था तू किधर था, तेरा कुछ है ही नहीं, इतना पता है ही नहीं, हाँ मैं बहुत कोशिश किए थे सबने, तो उतने में सर आ गए, सर आए, सर ने फिर जैसे एज यूजुअल उन्होंने पूछा कहाँ था, कुछ समझ में नहीं आया, हम सबने तुझे कोशिश किया कांटेक्ट करने के लिए बट मिला तो नहीं, तो एक काम कर कल जाके, उनका एक असिस्टेंट थे उनके पास जाके पासपोर्ट दे दे और उनसे मिल और बोल कि मैंने कहा, तो फिर मैं बात करूंगा उससे करके बोले, तो गए नेक्स्ट डे गए, उन्होंने फिर बोला कि सब फुल हो गए, अभी तू कहाँ से आ गया क्या आ गया, तो फिर मतलब है कि मैं तो फिर यार कुछ तो ऊपर वाले ने दे दिया था हाथ में, वो भी चले गया हाँ वापस घर आए, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम के बाद उनका कॉल आया कि कल आ जाओ मॉर्निंग और फोटो बाकी का जो इमिग्रेशन के लिए, फिर उसमें उन्होंने भेज दिया मॉरिशस में शूट किया 60 days, हाँ तो उन्होंने भेज दिया, तो फालतू में मतलब एक कैरेक्टर स्मॉल कैरेक्टर मिला और बस ताकि उसने तुम काम किया डिमोटिवेट ना हो जाओ। जी बिल्कुल। तो सर ही इज अ ग्रेट आर्ट पर्सन मनोज सर, तो उन्होंने बोला उधर काम किए, तो उसके बाद फिर उनके साथ 5 6 साल 7 साल उनके साथ काम किए, उसके बाद एडिट किए बहुत सारे, काफी शोज किए उनके, बहुत सारे गाने असिस्ट किए उनके साथ, एंड बस ऐसे करते करते बॉम्बे में एक एकेडमी खोले, उसके बाद तो 2 3 सिटीज में भी खोले, इंदौर लाइक गुजरात ये सब अच्छा, करके आपने एकेडमी खोले खोला आपने। जी बिल्कुल, बॉम्बे में है, बॉम्बे में था अभी फिलहाल लास्ट 2019 में मैंने बंद किया उसको, बंद मतलब है कि ध्यान नहीं दे पा रहा था प्रॉपर हाँ, वो बाकी काम भी आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, मैं ज्यादा फोकस मतलब है कि वीडियोस पे शूट्स पे और डायरेक्शन कोरियोग्राफी में ज्यादा ध्यान देने लग गया, तो फिर उसमें ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, और लोग को सबको सीखना था, मुझसे ही सीखना था, अगर मैं नहीं रहता स्टूडेंट्स नहीं आते थे, काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो फिर मैंने बंद कर दिया जी। तो घर वालों ने कभी वो नहीं किया कि क्यों इस फील्ड में हो, कुछ और ज्वाइन कर लो, ऐसा मतलब कुछ? वो तो अभी भी पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है अभी भी पूछते हैं, हम लोग समटाइम्स जिस ये ना फील्ड हो में यार कि सैलरी नहीं आता ना, हर महीने सैलरी आता नहीं है, सो दे आर ऑलवेज अफ्रेड कि क्या करेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब जगह के लिए मतलब है कि अभी भी बहुत सारे सोर्स है, अभी ऑलरेडी वी आर प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब है कि बहुत सारे चीज है, तो पर ये है कि अभी डांस द डांस खत्म हो गए और फालतू डांस के सुपरस्टार करके एक और शो किया मैंने, रियलिटी शो और ABCD, ये सब देखने के बाद फिर घर वाले फिर उनको कन्विंस समझ हो में आ गए। गया, हमारा बच्चे मतलब है कि केरला को प्राउड फील करा था कि केरला से कोई इतने अभी तक किसी ने नेशनल चैनल पे कभी नहीं गए मतलब कोई डांस रियलिटी शो में, और इंडिया का सबसे पहला डांस 3D मूवी इंडिया का, उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिए, और जो जिन जिन इंसान को देख के मैंने डांस शुरू किया था, वो तो फैमिली को भी पता था कि उनको ही देख के मैंने डांस शुरू किया था, उनके साथ काम कर लिया, तो डेफिनेटली ABCD में, प्राउड ABCD में, तो चलिए ABCD फिर कैसे मिली, उसका एक्सपीरियंस बताइए। ABCD बस हम जैसे सर के साथ काम करते थे और सब मिलते थे पार्टीज करते थे, ऐसे एक दिन तो सर का मैसेज आ गया, सर ने बोला कि आओ घर पे सब लोग ये टाइम पे, एक टाइम 7 बजे को इवनिंग बुलाया सब लोग थे और हम लोग सब पहुंच गए, तो क्या पार्टी तो वहीं पे सर के घर होते रहता है, तो पहुंच के तो टाइम बैठे हैं, और उसके बाद अचानक से हमने सबको एक साइड किए सर के बालकनी में बिठाया, और आए प्रोड्यूसर आए और यूट्यूब का प्रोड्यूसर आए और उनके सामने बोले कि दिस इज माई स्टार्स और इनके साथ हम मूवी करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं अभी हम लोग, तब जाके हमें सबको पता चला कि हम लोग कुछ कुछ करने वाला है, वो भी क्या करने वाला है वो भी नहीं पता था। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया सबको कि हम एक मूवी कर रहे हैं, डांस फिल्म कर रहे हैं और उसमें आप लोग सब काम तब करने ये नहीं पता वाले था हैं, कितनी बड़ी फिल्म होगी। नहीं बिल्कुल हमें किसी को भी नहीं पता था, बट सब ऐसा था कि सर जो का सर के लिए, सर की बात पे हम सब एनी टाइम और अभी भी उसी के लिए उनके लिए एक ही टाइम, उनका जो वर्ड्स आए तो उनके आगे कुछ नहीं सोचते, उनके लिए हमेशा रहेगा जिंदगी के। हाँ तो सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस मीटिंग प्रभु सर? प्रभु सर मतलब है कि द फर्स्ट मीटिंग डांस द डांस, डांस द डांस के टाइम पे उनसे मीटिंग हो गई थी, वो आए थे एक एपिसोड में और तब जाके उनसे मिले, तब उनसे बात किए, उस टाइम पे मतलब है कि पता नहीं ना कि एक गॉड मतलब देवा प्रभु देवा, तो उस टाइम पे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया, ज्यादा कुछ नहीं किया उनके साथ, एक एज यूजुअल फोटो क्लिक किए, वो उनसे जरा कहा बात भी नहीं टाइम, करते ना शायद ज्यादा। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, वो बात भी बहुत कम बात कर रहे हैं,
उसके बाद फिर हम एबीसीडी भी जब स्टार्ट किए थे तो हमने 6-7 महीना हमारा वर्कशॉप चले थे, तो 6 महीने तक तो हमें भी नहीं पता था कि ये मूवी में प्रभु सा रहते हैं अच्छा प्रभु। हाँ, और उसके बाद सडनली अचानक से रामू सर आया और बोला कि सबके लिए गुड न्यूज है, बस हमारा लेजेंड भी हमारे मूवी में है प्रभु सर, इज नाउ फिल्म। तो ये सुना तो हमने मतलब तो और जोश आ गए सब में, दिन रात मतलब है कि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होते थे एंड रात को 12:30 बजे तक कुछ ना कुछ मतलब है कि एक्टिंग क्लास, बैले क्लासेस, पार्कोर एंड हिप हॉप, ये सब का डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग होते रहते थे। फिर प्रभु सर आते थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब जाके उनके साथ ज्यादा क्लोज हो गए प्रभु सर के साथ। अच्छा फिर जी, फिर उसके बाद फिर काम किए जो उनके साथ, तो वो उसमें जो मेरा एबीसीडी में जो एंट्री है वो तो ऑन द स्पॉट है, मतलब कि रमो सर ने कहा कि मुझे इस तरह का फील चाहिए, इस तरह का कुछ चाहिए, तो और प्रभु सर ने कहा कि ओके यू डू व्हाट एवर यू वांट एंड आई विल डू व्हाट आई वांट, बस गो फॉर इट, ऐसे बोला और बस और कर लिया। और सो हाँ उसके बाद उसके बाद बस ऐसा है कि यार ये मतलब ऐसा लग गया कि हम उस चीज के ऊपर अगर बिलीव करेगा और उसके लिए सच्चे दिल से हम अगर मेहनत करेगा उसको अगर पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, तो ये यूनिवर्स उसके लिए काम करेगा और वो हमारे हाथ में लाके देगा करके वो मुझे तुम्हें पता चला कि यस वो ऐसा। उसमें बिल्कुल भी ये नहीं कि लैंग्वेज, देर इज नो लैंग्वेज, देर इज नो वो, पहले बहुत एफेक्ट होता था कि मुझे कि कोई बोलते थे कि यू लुक ब्लैक एंड यू आर शॉर्ट, तो पहले बहुत लगता था मुझे कि पहले, हाँ बट तो नए नए आए आफ्टर थे मुंबई में. एवरीवन मुंबई में क्रिटिसाइजेस. भी, हाँ हाँ मुंबई में भी, एंड अभी तू क्या करेगा इसके बाद, बॉलीवुड में तो इतने गोरे हैंडसम चिकने जैसा है एक्टर, छः छः फुट और के लोग हैं. तो मैं मतलब आई वॉज थिंकिंग यार अभी ऐसा है कि, और ऐसा कि बॉम्बे का एक सिस्टम होता है कि वहाँ पे ज्यादा हमें अपनी लाइफ स्टाइल को, एक बार आप स्क्रीन में आने के बाद आपकी लाइफ का जो हमारा जो लाइफ स्टाइल जो है उसको मेंटेन करना बहुत टफ होता है। मैं बहुत सिंपल रहने, मुझे सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी हमारे फैमिली को भी नहीं पता है कि यार तो कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे, कि बड़े गाड़ी में घूमे, बहुत सारे पार्टीज कर रहे, बड़े बड़े पार्टीज में अटेंड कर रहे, बहुत सारे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो पैसा तो है ही नहीं खर्च करने के लिए, और ये भी नहीं पता है कि कैसा इसको मेंटेन कर रहे, और तो बस उसमें बहुत सारे वक्त निकल गया और लैंग्वेज भी नहीं। फिर आफ्टर एबीसीडी मुझे समझ में आ गया कि यार कलर और हाइट और लैंग्वेज उसका कोई मतलब नहीं है, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम योर हार्ट एंड आप कुछ चीज के लिए अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, अगर उसके लिए उतना ही प्यार कर रहे हो और मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो यूनिवर्स विल मेक द ट्रू. थिंग हैपन। तो बस तो फिर जी, होती गई. तो कोरियोग्राफर, उसके बाद यू स्टार्टेड डूइंग इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी एज वेल. जी आफ्टर एबीसीडी भी मैंने हाँ लग गया, तो फिर इंडिपेंडेंट काम आने लग गया मुझे कि आई वाज डूइंग सब टू डू, एक मूवी थे उसका उन्होंने अनाउंस भी कर लिया था, प्रेस मीटिंग्स भी हुए थे और शूट भी किए थे हम लोगों ने, एक 15% शूट किए थे, तो उस वक्त में एबीसीडी 2 का चल रहा था, बट ये मूवी में मुझे मतलब एक ऐसा मेन लीड के लिए बुलाया गया था, तो ये भी काम चल रहा था, तो उस टाइम पे उधर नहीं जा पाया, उस वजह से मैंने एबीसीडी 2 पे नहीं कर पाया, और ये अच्छा. काम तो मतलब एक 50-15% शूट हो गए, और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपस में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के कुछ तो इश्यूज हो गए, उस वजह से फिर प्रॉब्लम हो गई, मूवी और बंद हो गई, एबीसीडी 2 भी छूट गई. छूट गए, तो फिर तब से फिर इंडिपेंडेंट काम आने लग गए, तो फिर वो करने लग गए कोरियोग्राफीज एंड वर्कशॉप्स, इवेंट्स, यू नो, एंड म्यूजिक वीडियोस, डायरेक्शन, ये सब करने लग गए, तो तब से फिर तो चालू। इंडिपेंडेंट डांस करने में और कोरियोग्राफर करने के बाद कितना डिफरेंस आता है? मतलब कोरियोग्राफी में तो थोड़ा मतलब दूसरों को सिखाना होता है ना, आप पूरा टीम को टीच करते हो, देन परफॉर्म होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी मेरे ख्याल से इन्वॉल्व होता है, कैमरा टेक्निक्स एंड ऑल दीज थिंग्स. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो व्हेन वी डांस, व्हेन आई वाज डांसिंग, व्हेन आई वाज डांसिंग अलोन, जब मैं अकेले डांस कर रहा तो मुझे
वॉज ब्लाइंड, मुझे कुछ कुछ भी मतलब है कि किसी को देखने की जरूरत नहीं रहता है, नहीं पड़ता है। बट व्हेन वी डू सम कोरियोग्राफीज फॉर स्टेज, इवन स्टेज, तो मतलब है कि हमें बहुत सारे चीजें हमें सोचना पड़ता है कि एक आर्टिस्ट अगर हमें दिया जाएगा, तो अगर मैं भी अगर खुद परफॉर्म करने जाएगा तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू एंटर, मतलब कहाँ से हमारा एंट्री होना चाहिए, किस तरह का एंट्री होना चाहिए। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी कि मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी काम करना चाह रहे अभी आगे भी, तो उसमें कुछ स्पेशल हो, कुछ डिफरेंट हो, तो उसमें कुछ नया नया हमें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने का जो मजा जो है उसका, नया नया एंट्रीज, नए नए कॉस्ट्यूम्स, नए नए स्टेप्स, नए नए फॉर्मेशंस, और उसके साथ अगर कोई रियलिटी शोज हो या मतलब कोई अवार्ड्स हो, तो उसके साथ फिर डायरेक्टर के साथ बैठे, कौन से एंगल से, कौन से शॉट्स, कौन सी लिफ्ट, कौन सी एंट्री, वो सब में, एंड एज यूजल उसके साथ अगर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उससे ज्यादा मेरे लाइफ में अभी और कोई हैपनिंग नहीं है कि व्हेन आई वाज शूटिंग, मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि वाओ ऐसा फील होता है व्हेन आई वाज शूटिंग। हाँ तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि एक अकेला जब डांस करते हैं तो वो ये कि हमें कुछ किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, कि बस हमारे दिल में जो फील है वो बाहर निकाले और बस सबको, वो दुनिया को, जो लोग देखते हैं उनको अच्छा लगे। तो वही चीज है कि हम जब शूट करते हो तो कोरियोग्राफ कर रहे, तो हमें सिर्फ मेरे बारे में नहीं सबके बारे में सोचना पड़ता है, जितने ट्रू भी डांसर्स हो, जितने भी उसकी कॉस्ट्यूम से करके, मेकअप से पकड़ के, वी हैव टू ना कि यू नो कंट्रोल विद द टीम, यू नो, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि वो अभी ज्यादा मुझे डांस करने से, सोलो परफॉर्मेंस करने से अच्छा लगता है कि एक ग्रुप के साथ ऐसा शोज करे, परफॉर्मेंस करे, उसकी जो मजा जो है वो कुछ और है, एंड व्हेन आई वाज शूटिंग तो उसकी मजा तो और है ऐसा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि जब कोरियोग्राफी करते हैं तो जी एक मिनट, या अच्छा मेरे को दूसरा सवाल पूछता हूँ, मैं इसको दूसरी तरह से पूछता हूँ कि कोरियोग्राफी में तो आपके बहुत असिस्टेंट्स भी होते होंगे, तो जी बिल्कुल जो असिस्टेंट बनने के लिए जो बहुत सारे लोग बाहर सोच रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं, मुंबई के बाहर के लोग हैं, वो क्या अपने घर पे प्रैक्टिस करें कि उनको आपका असिस्टेंट बनने का मौका मिल सके? क्या क्वालिटीज हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर में आप देखते हैं? कुछ तीन चार क्वालिटीज ऐसी जो होनी चाहिए. देखो, एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर मतलब है कि पर्टिकुलरली फॉर मी, मेरे मेरे लिए, मैं जो भी मेरे टीम जब मैं सेट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो बंदा है, वो बंदी, वो खुद अपने आप में कितने कैपेबल हो, मतलब है कि खुद अपने आप में कैसे वो, उसने जो जिस तरीके से उसने अपने आप को बनाया हो, और उसके अंदर कि उसके अंदर बहुत होता है उसके बिहेवियर में होता है ना, कि एक दूसरे से बात करने का जो बिहेवियर होते हैं, और मेन होता है कि टैलेंट होता है कि जो जिस तरीके से उसकी कला जो है, जो एक आर्टिस्ट हमारे पास आए, जो हमारे सब जो टीम जुड़े हुए उनके सबसे कैसे बिहेव करेगा, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि ऐसा नहीं कि हम अगर कोरियोग्राफर हो या असिस्टेंट कोरियोग्राफर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तो हमें सबसे एक वेल बिहेव अगर हम करेगा तो वो सबसे ज्यादा मतलब है कि आपकी टैलेंट से ज्यादा वो सब मिल गया तो एक काम बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो मैं देखता हूँ कि एक मेरा असिस्टेंट जो भी रहता है तो वो उसकी बिहेवियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और टैलेंट मतलब है कि अगर वो बिहेवियर अच्छा हो तो उसकी टैलेंट भी अगर मेरे साथ पहुंचते, मेरे पास पहुंचते पहुंचते, अगर किसी के पास भी पहुंचते पहुंचते, उसके अंदर जरूर उसके अंदर एक अच्छा टैलेंट रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो दिल्ली का भी हो, कहीं पे भी इंडिया का कोई भी कोने में जो लोग एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, तो दे हैव टू मेक स्टडी, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि डांस भी हो, डायरेक्शन भी हो, व्हाटएवर, उसमें कभी कभी उसकी एंड नहीं है। तो नए नए चीजें एवरी डे अपडेट होते रहते हैं, तो उसके ऊपर हम काम करें, उसके ऊपर हम मेहनत करें। ऐसे कि अभी मेरा ये तो हाल तो नहीं है कि मैं, बट आई कैन डू, मतलब है कि मैं कर दिखा सकता हूँ, मतलब डांस करके दिखा सकता हूँ, बट व्हेन वी
असिस्टेंट्स तो हम चाहते हैं कि हम बैठ के अगर देखेगा तो वहां पे जो आर्टिस्ट जो परफॉर्म करेगा वो इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, और मेरा दिल में जो विजन जो है जिस तरीके से वो करके एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ से एंट्री होते हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, कि वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो आजकल के बच्चे तो मतलब है कि अभी हमारे टाइम में तो मतलब है कि थोड़ा और टफ थे कि मतलब है कि ये सब समझने के लिए, बट आजकल के बच्चे के लोग के YouTube लिए बहुत है। YouTube में मतलब है कि दे आर दे डोंट नीड टू बी असिस्टम बड़ी की कुछ सीखने के लिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर वाचिंग दिस एनी रियलिटी शोज योर एनी काइंड ऑफ जो शूट्स भी लाइव दिखते हैं, और पहले तो मतलब है कि कहीं पे शूट होते तो हम सब भाग के जाते थे, अरे वाह वहां पे शूट हो, अब तो ये भी नहीं होते कि अभी ये जो बच्चे जो है कि जिनके अंदर जो कुछ करना है कुछ बनना है कुछ सीखना है, तो वैसे बच्चे जाते हैं और वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग बिना काम करते भी उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और ऐसे भी नहीं है कि हम सिर्फ मैं तो कभी कोई फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई तो नहीं किया, बट आई डिड लॉट्स ऑफ म्यूजिक वीडियोस एंड अभी बहुत सारे चीजें किए हैं और कर भी रहे हैं, तो वो भी जरूरी नहीं है कि लाइफ सिखा देते हैं, क्योंकि मेरा गुरु थे उनके साथ तो मैं डेफिनेटली काम किया, बहुत सारे काम उनके साथ सीखा मैंने, तो यही है कि हम सीखते रहे जितने हो सके, और एंगल्स भी हो बिहेवियर भी हो टैलेंट भी हो जो जो टेक्निक्स भी हो नया नया वो सब चीज के ऊपर काम करें, और हम किसी के पास भी जाएं, हम अगर किसी को अगर प्रपोजल दे दे कि मतलब है कि सर पर्सन आई वांट टू वर्क विथ यू, सो उनके पास एटलीस्ट वो चीज रहना चाहिए कि आई कैन डू दिस फॉर यू, तो पहले अपने आप को एक प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है कि वो बिहेवियर से आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी बात करने का तरीके से एवरीथिंग। हाँ, अच्छा क्या लगता है पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस में कि क्या सही तरीका है बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसने का, मतलब एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर घुसें या फिर ये जो कॉम्पिटिशन है डांस इंडिया डांस और बाकी जो होते हैं इनमें पार्टिसिपेट करें, कौन सा सही तरीका है एंट्री के लिए? सी ये जो क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे मुझे फेस करना पड़ता है, मतलब है कि बहुत बहुत बार सुनना पड़ता है, अभी जस्ट हमारा मीटिंग के पहले ही एक बंदे का कॉल आया था कि तो ही इज मेकिंग अ डांस रियलिटी शो फॉर पंजाबी चैनल, फॉर सम पंजाबी चैनल, सो ही वाज आस्किंग सर कैसे हम इसके लिए ऐसे कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये आ जाए, तो सबका ये क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री में घुसने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में घुसने के लिए ये है कि हम बहुत सारे स्टडीज करें पढ़ाई करें जो अपने आप के ऊपर काम करें कि हम लोगों से किस तरीके से हम आपकी टैलेंट कितने भी हो, आप टैलेंट कितने भी आप टैलेंट हो जब तक आप दूसरे को अपनी टैलेंट को कन्विंस जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, अगर वंस पहला ऐसा था कि पूरा ग्रुप बन के काम करते थे ये ग्रुप है तो यही काम करेगा ये ग्रुप है तो यही काम करेगा, अभी भी 50% है, 50 नहीं है एक 70% अभी भी है, बट एक बाकी का जो 30-35% भी लोग है कि वहां पे जिसकी टैलेंट पे बराबर ध्यान रखते हैं और उनको भी लेके आके काम करने के लिए उनको भी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कोशिश करते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो, उसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप कोई डांस रियलिटी शोज में आते, हर कोई ना पॉलसन बन सकते हैं ना हर कोई रेमो डिसूसा बन सकते हैं ना हर कोई धर्मेश बन सकते हैं, ये सब बन चुके ऑलरेडी, या प्रभुदेवा बन सकते हैं, ये सब ऑलरेडी बन चुके हैं, और इनकी अलग जर्नी इनकी अलग रास्ता इनकी अलग अचीवमेंट इसके ऊपर इनका काम चालू है, तो जो आदमी आना चाहते हैं जो आदमी काम करना चाहते हैं वॉट एवर वो कोरियोग्राफर हो डायरेक्टर हो एक्टर हो वॉट एवर, तो उनको अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए और सही जगह पे जाके, अभी बहुत सारे ऐसे नहीं है कि आपको अभी ऑफिस में जाके आपको हाथ जोड़ के खड़े रहना है, बहुत सारे इनमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारे साइट्स है उसमें आप अपने टैलेंट को आप उनको मेल कर सकते हैं या किसी के थ्रू आप एक अच्छा अगर एक मैसेज करके आपकी काम हाँ ठीक है आपको काम आता है तो ये मैसेज करके अपने आपको आप प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर मी दैट इज और उसके बाद जैसे कि मैं मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि मतलब कि
अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो मैं देखता हूँ अगर उसके पास, अगर जरूर अगर उसके पास अगर कुछ अच्छा टैलेंटेड हो एंड ही और शी हो व्हाटएवर है, तो वो मेरे कोई काम के लिए आता है, कोई हेल्प मुझे हो सकता है उनके, अगर वो मुझसे एसोसिएट होने से, तो मैं डेफिनेटली उनसे कनेक्ट करता हूँ, मेरा टीम उनसे कनेक्ट करते हैं और उनको जोड़ देते हैं। अभी मेरा कुछ काम चल रहा है, तो उसी में एक नया टीम वैसे बन रहा है हमारा, एक्सपीरियंस वाले की जो जो मेन जो चीफ चीफ जो है, जैसे कि DOP हो, जो मेकअप हो एंड कॉस्ट्यूम्स हो, तो उनके अंडर में भी काम करके नए लोगों को अपने आप को एक असिस्टेंट बन के भी काम कर भी सकते हैं, वो एक रियलिटी शोज के थ्रू भी अपने आप को प्रिपेयर करे, वो भी हो सके। रियलिटी शो मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो आपकी 75% आपका लक है रियलिटी शो, एंड 25% आपकी टैलेंट हाँ है ना, तो वो 25 कई बार परसेंटेज पब्लिक के आपकी वोट पे टैलेंट भी हो जाता है, जैसे कोई बंदा देखने में खूबसूरत है तो पब्लिक उसको वोट कर देती है। ना, तो आपको खूबसूरत होना पड़ेगा, नहीं तो आपको पक्का गरीब होना पड़ेगा, ये दोनों हाँ, चीज एक होना कहानी सुनानी पड़ेगा। पड़ेगी कि मैं बहुत गरीब था। हाँ, एक कहानी आपके लिए रेडी रहना पड़ेगा, तब जाके आप रियलिटी शो के लिए, नहीं तो फिर आप ऐसा हार्डकोर डांस डांसर बनना पड़ेगा, आपको जाके सब जगह पे आप ट्रैवल करो, ट्रैवल दिस एंटायर वर्ल्ड। अब हमारा इंडिया का लेवल कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए, वी आर द हमने जीत चुके हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो वी आर मतलब है कि अभी उस लेवल का डांसर्स बन चुके हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, तो हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि किसी को भी अगर कोई रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना है, तो दे हैव टू बी ना कि फुल फायर फुल खतरनाक, तो उसके लिए उनको जो प्रिपेयर करना मतलब है कि वो एक तपस्या है, वो एक डेडिकेशन है, दे हैव टू लर्न फ्रॉम, मतलब है कि मैं तो 10 10 घंटे मेरा उस वक्त में, बट मैं गॉड को मैं अभी बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि 10 साल पहले मैं कोई रियलिटी शो में आया, इसीलिए बच गए, तो अभी के टाइम पे अगर आएगा तो इतने छोटे छोटे बच्चे जो जो डांस करते हैं, दे आर मतलब कि दे आर, आप उसकी सारे क्रेडिट जाते हैं कि उनकी पेरेंट्स को, उनकी पेरेंट्स ऐसे प्रिपेयर होते हैं कि मेंटली कि हाँ वी नो कि बच्चे मतलब जब पैदा होते हैं तो उनको पैदा पता है होने से कि डांस कराना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पैदा होते ही वो उसमें सर्च करना शुरू करते हैं कि वो किस में जा टैलेंटेड, सकता है। वो डांस कर सकते हैं या सिंगर बन सकते हैं या ड्राइंग बना सकते हैं, तो नहीं तो कुछ पेरेंट्स नाउ फोर्स भी करते हैं एक्चुअली बच्चों को कि नहीं तुझे बिल्कुल करना बिल्कुल है कंपटीशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि बच्चे के साथ मतलब है कि यू हैव टू डू इट, क्योंकि उनके दिल के जो चीज है, जो तमन्ना जो होते हैं वो वो बच्चों नहीं के थ्रू कर पूरी पाते, करते वो हैं बच्चे के थ्रू पूरी करते हैं, कुछ और कुछ बच्चों पे उस बच्चे पे जो वैसे कई बार ऐसे प्रेशर भी पड़ जाता है, बैड प्रेशर स्टेज पड़ होते भी हो जाता के। है, हाँ प्रेशर भी पड़ जाता है, तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे लोग को प्रेशर ना दे, उनको टैकल करे बहुत अच्छी तरीके से, समझाए उनको अच्छी तरीके से, प्रिपेयर करे और उनको वेल वेल नॉरिश मतलब करें, ग्रूम करें। नॉलेज ग्रूम करे, देन अभी का पेरेंट्स वही तो कर रहे हैं, वही तो चल रहा है अभी का जितने भी हाँ, मैं तो पैसा बहुत देखता है हूँ, ना, पैसा बहुत इन्वॉल्व है इसमें। पैसा बहुत इन्वॉल्व है, पैसे का साथ साथ है ना कि इसके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस बहुत जरूरी है, कि कैसे हम स्टेज पे आते तो भी जजेस से कैसे बात करें है ना, आपके एक बॉडी लैंग्वेज हो और आपके एक प्रेजेंटेशन हो, वो सब हाँ, चीजें सिर्फ मतलब डांस है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने बहुत अच्छा डांस कर दिया, ना आपको बात करना भी नो आना चाहिए। आपका बात आपके शब्दों में भी उतने ही तरीके से ब्यूटी होना चाहिए, और आपकी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज जो है, ये सब बहुत मेंटेन मैटर करते हैं आजकल का कोई भी रियलिटी शोज के थ्रू अगर आप करना चाहते हो, तो यही से इन चीजें कि आप अगर किसी के साथ असिस्ट भी करना चाहते हो, तो तभी भी आपके लिए ये इतना ही चीजें आपको तभी भी आनी आपको चाहिए। रेडी रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बट दोनों तरफ से भी आप जाएगा बहुत अच्छी बात है, एंड ऑफ द डे आपको वहीं पहुंचना है, अगर किसी के दिल में भी अगर ऐसा कोई रास्ता है, किसी को अगर रियलिटी शोज के थ्रू अगर नहीं जा पाएगा, तो किसी को असिस्ट करे, किसी के अंडर में काम करे, उसकी नॉलेज ले ले, तभी जा सकते हैं या रियलिटी शोज के थ्रू भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई अच्छा, पैशन तरीके अपनी जगह है, पर कोरियोग्राफी और डांस एज अ करियर, वो। व्हाट डू यू थिंक, इज इट यूजफुल, इज इट वर्थ इट? यस ऑफ कोर्स, देखो पॉल्सन थॉमस वाज अ नॉर्मल पॉल्सन थॉमस, तो मैंने आपको बताया कि मेरा जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, हाँ चप्पल के माला से मैंने शुरू हाँ किए थे, और मुझे याद नहीं कि बचपन में एक बार केक काटा था, वो मेरा भाई का बर्थडे में मैंने शायद केक काटा था, मेरा छोटा भाई का बर्थडे में मैंने केक काटा था, हम दोनों ने मिले, और उसके बाद जब मैं डांस इन द डांस में आए, डांस इन द डांस के बाद
मुझे तो मतलब है कि कुछ कुछ बर्थडे में मैंने 60 60 65 केक्स काटे हैं इनका हाँ लाइफ में। तो ये है कि सॉरी मैं कुछ इमोशनली वहां पे चला गया, मैंने वो मेरा विजन देख लिया है कि ना कि कहाँ से कैसे। आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन ये था कि क्या? पैशन अपनी तरफ है, पर क्या कोरियोग्राफी और डांस एक अच्छा प्रोफेशन है, मतलब उसमें लाइफ डिवोट करनी चाहिए? तो हाँ, तो ये है कि आजकल इसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसा नहीं कि डांस YouTube वन को ऑफ दोज थिंग्स, YouTube पे लोगों के मिलियंस और मिलियंस यूट्यूब, व्यूज आ रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट हो, आप कैमरा रेडी रखो, आप दिखा परफॉर्म दो। करो, गाना प्ले करो और दुनिया के सामने अपलोड करो, दुनिया वर्ल्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट। ऐसा नहीं कि हम कोई चैनल के थ्रू जाए, बहुत सारे तो कॉलिंग। पहले रेस्ट्रिक्शंस थे व्हेन यू केम टू मुंबई, कि कहाँ जाऊँ, किससे बात एग्जैक्टली करूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नाउ देर इज, उससे भी आगे बढ़ चुके हैं हमारा सिस्टम सोशल मीडिया। मतलब है कि इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपके पास ऐसा कुछ चीज हो तो आपको प्रेजेंट करने के लिए सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, वहीं पे भी आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो उसके थ्रू इफ यू आर अ वेल डांसर यू विल गेट मनी, ये यूट्यूब से भी और सोशल मीडिया बहुत सारे तरीके से आपको पैसा बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आपको पैसा कमा सकते हैं। और उसके तो उसके अलावा हमने अभी फिलहाल हमने लास्ट ईयर कोरोना के बिफोर कोरोना वी कास्टेड टू पीपल फ्रॉम टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, यू हाँ नो। सो उनमें वो जो सोशल मीडिया, उसमें जो वो लोग थे वो लोग उसमें पॉपुलर थे, उनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे थे और वो टैलेंटेड भी थे। ऐसा नहीं है कि उनके सिर्फ फॉलोअर्स थे, वो टैलेंटेड भी थे। तो हमें जो चीज चाहिए थे, हमें कोई ऑडिशन की जरूरत नहीं पड़ा, हमें जो चीज चाहिए था वो उसमें दिखाई दिया। मतलब है कि उसकी वीडियोज प्रोफाइल मैं तो कभी नहीं देखता वो लोग, मुझे हमारा कोई असिस्टेंट डायरेक्टर ने दिखाया था कि सर प्लीज वॉच, मतलब है कि इनको आप एक बार देख लीजिए। तो देख लिया तो हमें मिल गया, हमने प्रोड्यूसर को दिखाया, प्रोड्यूसर को भी अच्छा लगा तो उनको डायरेक्ट बुलाया, बुलाया उसके बाद उनसे बात करके देखा तो उनको भी समझ में आ गया, तो फिर हमें भी समझ में आ गया। तो देन वी कास्टर्ड देम एंड वी शॉर्टर्ड देम एंड वो गाना भी आ चुके, रिलीज भी हो चुके जी के थ्रू। तो ये है कि यस ऑफ कोर्स आजकल अगर आप अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छे अगर आपके अंदर आपके पास टैलेंटेड हो पर्टिकुलर, ये कोई मतलब है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई रियलिटी शोज में आए तभी आपको दुनिया जान सकते हैं, वैसा नहीं है। आजकल कोई घर पे दादी लोग के हाथ में भी स्मार्टफोन है, वो लोग भी चलाने आता है, उनके पास भी वो वीडियो मैसेजेस पहुंच जाते हैं। तो आपके पास अच्छे टैलेंटेड हो, आप उसको बनाओ, अच्छे वीडियो शूट करो, खुद के फोन में शूट कर सकते हैं। फोन में भी आजकल कैमराज इतने अच्छे आते हैं, उसमें भी एडिटिंग सिस्टम हो, एडिटिंग भी सॉफ्टवेयर इतने आते हैं, तो आप एडिट कर सकते हैं, अपलोड इट कहीं पे भी आप अपलोड करो। अगर वो चीज डिजर्व करते हैं, आपकी नसीब भी आपकी टैलेंट के ऊपर भी और आपकी नसीब के ऊपर भी वो चीज है, तो डेफिनेटली वो वायरल हो जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आएगा और डेफिनेटली मिलेगा। ट्रू। अच्छा, कोरोना की बात की, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना के टाइम में अभी बहुत बच्चे जो हैं वो डीमोटिवेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, क्या करें, कुछ अपने सपने पूरे करना चाहते थे वो 2 साल में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन नहीं कर पाए, एज भी निकल रही है, तो ये भी बच्चों के सब चीज़ें टेंशन देती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि घर बैठ के अगर कोई डांस करना चाहता है, कोरियोग्राफी करना चाहता है, तो कैसे सीख सकता है, मतलब शुरुआत कहाँ से करे? देखो सबसे पहला है कि हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और ये कोरोना की वजह से लाइफ खराब हो गई और हमारा उम्र भी चले गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे मम्मी को आज ही कह रहा था कि मम्मी मेरा 2 साल मैं नहीं घूमने वाला हूँ मेरे लाइफ में, क्योंकि मेरे घर से इतना फोर्स है कि मुझे शादी करने के लिए। तो मतलब है कि अभी तू इतना उम्र का हो जाएगा तो तुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि ये कह रहा हूँ कि मम्मी मेरा 2 साल तो मैं नहीं घूमने वाला हूँ। तो ये है कि मैं जितने भी लोग है कि ये 2 साल गिनना ही नहीं है हमें। तो ये निकल गया मैं बस। जब तक कोरोना था उतने में ये भी नहीं, एक हाँ फन 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 इज मैं कह रहा हूँ कि, और बाकी कि ये वक्त जो है, ये वक्त ऐसा वक्त है कि हम हमारे लोगों के साथ जो जिंदगी का जो कंपटीशन है, जो भागते दौड़ते रहते हैं क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो, ये सब दिमाग को थोड़ा शांत रखे, ठंडा रखे, अच्छे से मेडिटेशन करके, अपने आप के ऊपर काम करके। सी आई एम फॉर मी, मेरा ये लास्ट 1 महीने का खाने का ये जो सिस्टम है अभी मैं जो दिख रहा हूँ, नहीं तो हाँ अगर
आप भी जानते हैं कि मैं मुझे कितना फिट रहना मुझे पसंद है। अभी यहाँ पे केरला में आई एम जस्ट एंजॉइंग द फूड, यू नो, एंजॉय द फूड, एंजॉइंग द वेदर, एंजॉइंग माय होम हाँ, एंड नॉट बिकॉज दो। रेयरली कभी तुम्हें आने का मौका मिलता था, मैंने देखा केरला अपने घर जब मुंबई में थे। ऑफ देखो मैं कि अपना एक 13 आफ्टर 13 इयर्स बिफोर बैंगलोर, बैंगलोर से मैं बॉम्बे, तो लास्ट ईयर कोरोना से पकड़ के मतलब है कि थोड़ा थोड़ा भी इसके बाद भी कोरोना के बाद भी बॉम्बे चले गए थे। तब हम अपने लाइफ में अपने प्रोफेशन में हम भागना दौड़ना शुरू जब हम करते हैं तो हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि हमारी फैमिली के साथ जो हंसते खेलते जो हमारी जो जिंदगी थे जो बचपन से वो रहने के लिए फॉर अस, मतलब है कि जो भागते दौड़ते जो काम करते हैं, बाकी का जो लोग घर में जो बैठते हैं उनके लिए ये है कि इस वक्त में आप अपने दिमाग को गर्म करके या कुछ भी बर्बाद हो गए सोच के कुछ नहीं मिलने वाला है, नुकसान सिर्फ वो सोचने वाले उसी का ही होगा। क्योंकि आप जितना वैसा सोचेगा उतने में बाहर ऐसा ऐसा लोग है कि जैसे कि मेरे जैसे भी और भी बहुत सारे लोग कि जो मैं जानता हूँ वो लोग खुद अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो अभी इसके बाद हम कैसे अपने टारगेट अपने एम पे कैसे पहुंचे, तो उसके लिए अपने आप को कैसे बहुत सारे मैं तो बहुत सारे तो रीडिंग्स बहुत कम करते थे मुझे रीड करना मतलब बुक्स रीड करना इतने पेशेंस नहीं होते थे, तो मैंने अपने आप को डेवलप किया। मैं इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उठना, मतलब है कि अभी ये कोरोना से यही सब हो रहे हैं, मतलब है कि बहुत जल्दी वेकअप होते हैं मेरा, अर्ली मॉर्निंग वेकअप होते हैं और मैं जाता हूँ केरला, मतलब साइकिल लेता हूँ पूरा घूमता हूँ बहुत अच्छे से। मैं तो आज तक बचपन से पहुंचा नहीं, वहां पे मैं साइकिल से पहुंच रहा हूँ, मतलब यू ना नो कि एक टाइम ऐसा था कि मैं बाहर नहीं निकल सकते लोग पहचानते थे, आजकल ना ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं कि मास्क भी है हमें, अगर साइकिल है अकेला है तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं घूमते, अच्छी तरीके से देखो ऑब्जर्व करो यूनिवर्स को, पढ़ो ये नेचर को समझो, अपने आप को प्रिपेयर करो, माइंड को काम रखो, वर्कआउट करो, रीड बुक्स, आप अगर लिखने वाले हो तो आप लिखो, आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हो वॉट एवर थॉट्स, आप बहुत डिप्रेस हो आपके वो डिप्रेशन में क्या थॉट्स आ रहे हो रीड इट, आप सिर्फ वो डिप्रेशन हो अभी कुछ नहीं कर पा रहा मैं क्या, उस टाइम पे कुछ थॉट्स चलते हैं अरे यार मेरे जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरा इधर ये हो जाएगा उधर वो हो जाएगा, आपकी दिमाग में भी जो थॉट्स आ रहे हैं उसको भी लिख के रखो कि तब जाके कल जाके ये सब कोरोना फोरोना सब खत्म होगा तब जाके वो बुक खोलो और उसके अंदर का चीज आप उस वक्त में किस चीज को आपने फेस कर रहे थे उसको पढ़ो, पढ़ के उसमें से क्या चीज आउटपुट हम निकाल सकते हैं उस चीज को हम निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे चीजें हो चुके, अभी लास्ट ईयर कोरोना में मैंने एक स्क्रिप्ट कंप्लीट किया, हम लोगों ने उसके लिए 4 साल काम कर रहे थे, जो मेरा राइटर थे जो मेरा फ्रेंड ही वॉज सेटल्ड इन कतर, तो हम आधा कंप्लीट किए थे, उसके बाद आधा कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि कभी उसका टाइमिंग मिल रहा तो मेरा टाइम मैं बिजी रहता था, वैसा हम मैच नहीं हो पा रहे थे और आई रियली वांट टू कंप्लीट द स्टोरी यू नो। तो लास्ट ईयर कोरोना में तो मतलब एक खूब टाइम मिला, हम गए हमारे फार्म हाउस में बैठे और ऐसे दिल से लिखे कि और उसके बाद उसको फिर वापस हमने स्क्रीन प्ले जब लिखना शुरू किया तो बॉम्बे पहुंच गए, लॉकडाउन सब खत्म हो गए, बॉम्बे में बैठ के बॉम्बे में वो एटमोसफेयर में बैठ के बहुत अच्छी तरीके से लिखे। तो ये है कि अभी के इस वक्त में कोरोना जो चल रहा है सबके लिए सब नहीं नहीं कि हम सब सेफ रहे, ऐसे कि पैसे के लिए और फेम के पीछे भागने के लिए ये टाइम पे भाग के या डिप्रेस्ड हो के या कोई कोई परेशान हो के कुछ नहीं मिलने वाले हैं, हम अभी काम रहे और फिट रहे सेफ रहे फैमिली के साथ खुश रहे अच्छा रहे यही हम कर सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना करें कि कितना जल्दी हो सके ये सब चीजें ठीक हो जाए और सब अच्छा रहे, बस तो यही आगे के कहना चाहता हूँ फ्यूचर खुला। प्लान्स क्या है? फ्यूचर फ्यूचर प्लान्स ये है कि अभी मैंने एक तो हिंट तो दे दिया जो कहानी हम कंप्लीट कर रहे थे नाउ यू आर एंड वेंचरिंग इनटू डायरेक्शन बेसिकली। जी बिल्कुल, तो उसी के लिए उसी के ऊपर ही काम कर रहे बहुत सालों से, तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट टू मेक समथिंग यू नो कि तो आप दुनिया के अपने गुरु लिए के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, रेमो डिसूजा फोटोग्राफी। जी ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं उसके, ऐसे भी नहीं है कि बस उनके लिए उनको देखा उस वजह से ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो भी नहीं है कि ये मेरे दिल में ऐसा एक थॉट बहुत टाइम पहले से आया था कि मतलब हम हमारे दिल में जो चीज है तो उसको कैसे हम ये दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं, तो ऐसे हम कोई रोड पे खड़े रह के तो बोल नहीं सकते, हाँ सही बात है। तो हमें उस चीज को लेके आने के लिए ये जो प्लैनेट में एक ही रास्ता है
आप अच्छी मूवीज बना सकते हैं, उसको लोगों के सामने लेके आ सकते हैं, उसके थ्रू आप बहुत अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं आप। तो मेरे लिए यही है कि मुझे लगा कि शायद मैं ऐसा कुछ दुनिया में कर सकता हूं और उसके थ्रू मैं लोगों को कुछ मदद भी कर सकता कर सकता हूं, हूँ। ऐसा लगता चलो थैंक यू पॉल्सन फॉर योर टाइम। यू हैव गिवन सो मेनी इंसाइट्स अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द कोरियोग्राफी इंडस्ट्री, अबाउट द डांस एंड हाउ टू डू दैट। और बहुत अच्छा बताया आपने कैसे डिप्रेशन से अपने आप को बचाएं, उन सारी चीज़ों से बचाएं, विच वॉज अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। थैंक्स फॉर योर टाइम अगेन पॉल्सन, थैंक्स फॉर कमिंग टू माई चैनल, गिविंग मी टाइम। थैंक हालांकि तू मेरा यू ब्रदर, दोस्त है, नहीं आता तो मैं तेरे को बताता मुंबई आके। थैंक यू ब्रदर, यू आर सच एंड यस ऑफ कोर्स आई आल्सो वांट टू से कि इन्होंने बहुत तारीफ किया मेरा कि वैसे इन्होंने जितना कहा उतना ही हम भी इनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ही आल्सो वेरी टैलेंटेड पर्सन, ही सपोज टू डू वन फिल्म विद दिस गाय विद हिज स्टोरी एंड ही इज अ वंडरफुल राइटर एंड यू नो सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग एंड बस वी लव ईच अदर एंड वी ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर एंड मैं वी पॉल्सन के बारे में एक टुगेदर। बात बताता हूँ जो लोगों को नहीं पता है। पॉल्सन बहुत ही मुंहफट किस्म का आदमी है, जो भी आता है मुंह में बोल देता है। जब मैं अपने किसी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि पॉल्सन के बाद तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ कि मैंने बताया था मैं अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहा था, तो पॉल्सन ने मुझे बोला था भाई तू बहुत अच्छी फिल्म बनाएगा, इस तरह फिल्म कंप्लीट करके आएगा। और मैं फिल्म की कंप्लीट करके आया, फिर मैं अपनी तीसरी फिल्म बना रहा था, मेरी दो फिल्में रिलीज नहीं हो पाई, और मैं ऐसे पॉल्सन मुझे मिला तो मैंने बोला कि पॉल्सन फिल्म बनाने आ रहा हूँ फिर से, तो कह रहा इस बार तू नहीं बना पाएगा और करके निकल गया। वो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने ऐसा बोल दिया अरे मेरे को। फिर मैंने बाद में ऐसे कभी हम लोग कहीं बैठे होंगे तो मैं पूछा तूने ऐसा क्यों बोला था, तो तूने मेरे को लाइन बोली थी, तूने बोला जब तू पहली बार फिल्म बनाने गया था तेरी आंखों में मुझे दिख रहा था कि तू बना ले जाएगा, जब तूने उस टाइम उस दिन पूछा था तो मुझे दिख रहा तेरे चेहरे पर तू नहीं बनाएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने तेरे को ऐसा बोला। तो वो बहुत अच्छी चीज थी कि तुम्हें जो दिल में था तुमने एटलीस्ट बोला, ये नहीं कि मुझे जस्ट खुश करने के लिए तुमने बोल दिया कि नहीं नहीं जाओ बनाओ ब्रदर ऐसा ऐसा करके। यू ऑलवेज गिव मी राइट एडवाइस, यू एक्चुअली गिव एवरीवन द राइट एडवाइस, दैट्स व्हाई सम पीपल लाइक यू सम पीपल डिसलाइक यू, बट दे ऑलवेज रिस्पेक्ट यू फॉर दिस वन थिंग दैट यू आर ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट, दिस एवरीवन नोस। हाँ, मुझे भी यही कहना है कि हम जितने ऑनेस्ट रहे दुनिया में, जितने काइंड रहे लोगों को, और वो बहुत हेल्प करते हैं। जब हम दूसरे दिमाग चला के हम काम करने जाएगा तो उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचते हैं। देखो मैं जो कह रही आपसे उस टाइम पे कि मुझे पता है कि मैं बहुत कम लोगों को अपनी लाइफ में मैं इतने क्लोज होता हूँ, तो उसमें से है कि आप, तो मुझे पता है कि आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट के तो मुझे भी पता है कि वो हक है मुझे बोलने के लिए, है ना। तो वो भी एक चीज होता है कि वो भी एक समटाइम्स एंड यस ऑल, वो भी एक बात है कि मैं बहुत मूवफट हूँ अभी, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कितना स्वीटली No, प्यार से which is देखो। actually good, which was a good quality of yours, ठीक है। हाँ तो मैं ये लोग के ये साथ कौन ही है? रह, ये है जैकी। अच्छा जैकी, हाँ ये हेलो है जैकी, जैकी। हाँ एंड तो आई इन एम लोग अ के साथ, ह्यूज हाँ ह्यूज डॉग लवर। तो इनके साथ भी, इन लोग के साथ भी रह के, घर पे बहुत सारे पेट्स है तो इन लोग के साथ भी रह के कि हम कितना स्वीट हो सकते हैं, हम इनके लिए नहीं सिर्फ, तो इन लोगों के लिए भी हम ये 2 साल कितना तुम्हें जिंदगी में वापस नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई नो कि मुंबई में तुम कितने बिजी रहते हो और तुम वापस घर बिल्कुल नहीं आ पाते हो, ये वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है पॉल्सन मुंबई में क्या एक अचार लेके आता था जो उसकी मम्मी ने बनाया था, वो अचार किसी को नहीं देता था, और अगर कोई बहुत ज्यादा मांगे तो थोड़ा सा देता था, इतना सही मिलेगा। लोग स्पेशली वही खाने के लिए घर पे आते थे, वही खा तो लेके लेगा खाते थे, और वो छोटी है डिब्बी ना। लेके आता ओके था। तो अच्छा है, घर की बहुत याद आती है मुंबई में जब आप रहते हैं तो, बट इट्स मिलेंगे गुड। मिलेंगे ब्रदर, यस हाँ मिलेंगे जल्दी बहुत मिलते जल्दी। हैं, चलो थैंक थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं जल्दी यू, मुंबई में। ओके यस बाय ब्रदर, बाय। ऑल राइट, थैंक यू ब्रदर।